और ले आए माँ जी ले आए भाई, चल अब तो हो जाना शुरू। चल भाई चल। शाबाश। देखो जैसे ही खाना खत्म करोगे ना तुम्हारी पावर आ जाएगी ना, फिर तुमने हमें उड़ के दिखाना है। भाई अभी भी बहुत कमजोरी है मुझे, मेरी पावर्स हैं मेरे पास। ओ भाई तेरी पावर्स आएंगी वापस कब? मुझे लगता है जब तक मेरी पावर्स वापस नहीं आ जाती ना मुझे यही रुकना पड़ेगा। तुम यहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकते शबाना, ये स्पाइडरमैन यही रहेगा, ये मेरा आखिरी वो है। आपका वो जो भी हो ये यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि इस घर का किराया मेरे पापा देते हैं। माँ जी खूबसूरत बिल्कुल ठीक कह रही है, ये यहाँ ऐसे नहीं रह सकता। अगर इसने यहाँ रहना है तो इसको किराया देना होगा। नबील मेरा कमरा देने के बारे में सोचना भी मत। ओ जानू ये स्पाइडरमैन है, ये तो मकड़ी का जाला बनाएगा और लटका रहेगा कहीं ना कहीं कोने में। नहीं नहीं भाई मुझे बेडरूम चाहिए। ठीक है मैं अपना कमरा इसे दे देता हूँ, लेकिन फिर आधा किराया मैं लूंगा। यार आपकी यही छोटी बातें हैं महमूद साहब, जिसकी वजह से मैं बड़ा आदमी नहीं बन सका, वरना तो मैंने अभी तक बुर्ज खलीफा खरीद लेना था। वो जो तुम खरीद चुके होते वो बुर्ज खलीफा होता। हाँ जी क्या जी। भाई अब मुझे ना मेरा कमरा दिखा दे आप लोग। चलो आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। आज वो चल चल भाई। स्पाइडरमैन किराया तुम्हें एडवांस में देना पड़ेगा है? और ये जो सामने वाली खिड़की है ना इससे बाहर नहीं देखना। हाँ इधर महमूद साहब की दोस्त रहती है पीनो। नबील महमूद साहब। अच्छा भाई अब तुम दोनों जाओ, मुझे नींद आ रही है भाई अभी। अरे ऐसे कैसे निकलो भाई, पहले किराया दो एडवांस, एक दिन का 10,000 रुपए और 3 दिन के बने 30,000 रुपए और खाने पीने के अलग होंगे। हाँ जी। ये क्या लूट मारे भाई, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा पैसे नहीं है तुम्हारे पास, तो फिर एक काम करो, तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। कैसा काम? नबील मैं तो कहता हूँ इससे ना घर के जाले उतरवा लो और पंखे भी साफ करवा लो। गरीब आदमी की गरीबाना सोच, तुम्हें हमारे लिए एक अदद बैंक लूटना होगा। क्या? अरे वाह नबील वाह, तुम स्पाइडरमैन से बैंक लुटवाओगे? और क्या बारात लुटवाऊं उससे? ओ भाई मैं बैंक वैंक नहीं लुटूंगा, मैं एक सुपर हीरो हूँ, लोगों की भलाई के लिए काम करता हूँ। और बताया तो है मेरे पास सुपर पावर्स भी नहीं है। तुम दोनों ना जाके मेरे लिए दूसरा काम सोचो, दूसरा काम ठीक है, और मुझे सोने दो प्लीज। चलो नबील इसको थोड़ी देर आराम करने देते हैं, शायद इसका दिमाग कुछ काम कर जाए। अरे कुछ और सोचते हैं इसके लिए काम है। मुझे जानू आइडिया आ गया आइडिया जानू। कभी कभी तुम्हें फखर तो होता होगा अपने शौहर पर कि कितना क्रिएटिव और कितना इंटेलिजेंट है तुम्हारा शौहर। क्या आइडिया? जानू मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, सबसे पहले मैं अपने पापा जी को बताऊंगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम पापा जी, कैसे आप? सुबह से आपकी इतनी याद आ रही थी मुझे। हाँ मेरे प्यारे पापा जी। नहीं आपने नहीं आना पापा जी, बस 4-5 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दें मेरे अकाउंट में। जी जी पापा जी, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है पापा जी। हेलो 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 पापा जी। वैसे तुम्हारे पापा बहुत ही कंजूस आदमी है यार। कंजूस? इतनी बड़ी रकम तुम उनसे मांग भी कैसे सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने पापा जी को हमेशा अपना सगा बाप समझा है और अपने बाप से मांगती हूँ, कैसी शर्म जानू? तुम इतनी बड़ी रकम मांग क्यों रहे थे? जानू मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ। फिल्म? हाँ जानू मैं फिल्म बना रहा हूँ, फिल्म डूडी खान की तरह, पाकिस्तानी स्पाइडरमैन। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना भी। जानू मैं फिल्म खुद डायरेक्ट करूंगा और तुम्हें भी एक जबरदस्त रोल दूंगा। हीरोइन का रोल? नहीं नहीं जानू तुम स्पाइडरमैन की बहन का रोल करोगी और बहन भाइयों में मिसाली मोहब्बत होगी। जानू तुम देखना मेरी फिल्म 50 करोड़ का बिजनेस करेगी, 50 करोड़ का, सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, इस साल के सारे अवार्ड मेरे होंगे और आखिर में ऑस्कर मुझे मिलेगा। हाँ और फिर मैं तुम्हें जगा दूंगी। तुम अपने शहर को तरक्की करता हुआ देख ही नहीं सकती हो हासिद औरत।